वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ट्रिप टू कोलकाता. ओके सो लेट्स बिगिन. ओके सो दिस इज फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 5. सो लेट्स बिगिन अ ट्रिप टू कोलकाता. ओके लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेज वेयर दे आर लोकेटेड. सो यू हैव टू टेल दिस वन, द पिक्चर नंबर 1. सो द पिक्चर नंबर 1 इज this is the red one is picture number 1. okay so this is red fort. all right I'm writing here red fort. and now the second picture is of Taj Mahal. okay this is Taj Mahal. you all can write and you must be knowing about this famous monument. and the third picture is this is India Gate. all right the third picture is of India Gate. And the fourth picture is, and this is Gateway of India and this is in Mumbai. All right, Gateway of India. तो आपको सबके नाम लिखने हैं बच्चों given space में और उनको बताना है कि ये famous monuments कौन से हैं. ठीक है. Read and enjoy. Traveling is the best form of education. You know, someone has told you that Jaipur is pink city. means you have read that Jaipur is pink city. लेकिन अगर आप जयपुर जाके देखते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको जयपुर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा कि उसको हम पिंक सिटी क्यों कहते हैं, है ना. सेम एज अगर आपको किसी ने बताया ताजमहल यहाँ है, आगरा में है, ये यमुना रिवर के किनारे फ्लो करता है, तो जब आप जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हो, वहाँ पर जाके विजिट करते हो, देखते हो, देन यू लर्न. Right? So traveling is the best form of education. There are many forms of education, but yes, traveling is one of them. It helps a person know so many things about life easily and joyfully. तो ये जो है ये मदद करता है, ठीक है, एक इंसान की बहुत सारी चीज़ों को आसानी से और खुशी के साथ सीखने में. The present lesson is a travelogue. ये मतलब यात्रा का वर्णन है. दैट विल इनेबल यू टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट कोलकाता. और इस चैप्टर में आप कोलकाता के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे. इट्स पीपल एंड देयर कल्चर, यहाँ के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में. इट्स एन आइडियल प्लेस टू विजिट, और एक ये आइडियल प्लेस है देखने लायक, स्पेशली ड्यूरिंग योर स्कूल्स विंटर ब्रेक और समर वेकेशन. जब भी आपका विंटर ब्रेक हो या फिर समर वेकेशन हो, यू कैन विजिट. Okay, so let's begin the chapter. The train screeched to a halt. Screech का मतलब होता है loud sound. The train, with harsh sound to a halt. उसने एक तेज से आवाज़ की and Raj got down at Howrah station. Got down means नीचे उतरना. ठीक है, तो राज जो है वो नीचे उतरा एट हावड़ा स्टेशन पर. जैसे ही ट्रेन जो है वो हॉल्ट हुई स्टेशन पर, राज जो है हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरा विद हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ, एंड यंगर ब्रदर रमेश, ठीक है, और अपने छोटे भाई रमेश के साथ. दे हायर्ड अ टैक्सी एंड वर सून ऑन देयर वे टू जोधपुर पार्क. दे हायर्ड अ टैक्सी मीन्स उन्होंने एक टैक्सी खरीदी एंड वर सून और बहुत जल्दी ही दे वेयर ऑन देयर वे टू जोधपुर पार्क और वो जोधपुर पार्क जा रहे थे. दिस वॉज द फर्स्ट विजिट टू कोलकाता और वो लोग कोलकाता पहली बार घूमने गए थे. राज ग्रैंड फादर हैड सेटल डाउन इन कोलकाता. राज के जो दादाजी हैं वो कोलकाता में सेटल हो गए थे. आफ्टर हिज ग्रैंड फादर रिटायर्ड अ ईयर बैक. ठीक है, उसके जो ग्रैंड फादर एक साल पहले रिटायर हुए थे, उसके बाद वो कोलकाता में ही सेटल हो गए थे. राज एंड रमेश वॉच्ड थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल हरिंग पास्ट व्हीकल्स क्रॉलिंग बाई एज देयर टैक्सी मूव अहेड. राज और रमेश ने देखा थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल. थ्रोंग का मतलब हुआ कि देयर वॉज अ डेंस क्राउड, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी लोगों की. हरिंग पास्ट व्हीकल्स क्रॉलिंग बाई, और बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियाँ आ जा रही थी. एज देयर टैक्सी मूव अहेड, जैसी उनकी टैक्सी आगे बढ़ी. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सडनली द हावड़ा ब्रिज अपीयर्ड लार्ज इन व्यू.
अचानक से हावड़ा ब्रिज जो है वो बहुत बड़ा दिखाई दिया। राज पुल्ड हिज फादर स्लीव, राज ने अपने फादर की स्लीव को खींचा। लुक सच अ ह्यूज ब्रिज, उसने अपने फादर को बोला, देखिए कितनी विशाल पुल है। रत्नेश बिश्वास हिज फादर एक्सप्लेन, उनके फादर का नाम है रत्नेश बिश्वास और उन्होंने एक्सप्लेन किया, चिल्ड्रेन दिस इज द हावड़ा ब्रिज, ये इस ब्रिज का क्या नाम है, इस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर हुगली, और ये हुगली नदी, जैसे गंगा नदी होते यमुना नदी होते, सेम एज इट्स अ रिवर हुगली। देयर टैक्सी क्रॉस्ड द ब्रिज व्हाइल ही कंटिन्यूड, उनके मतलब टैक्सी जो है वो क्रॉस कर गई जब वो आपस में बातें ही कर रहे थे। द हावड़ा ब्रिज वॉज ओपन टू ट्रैफिक इन 1943, और ये ट्रैफिक के लिए 1943 में खोली गई। इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड द रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज को हम लोग ऑफिशियली क्या बुलाते हैं, रविंद्र सेतु बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अयोध्या है, अब इसका ऑफिशियली नाम क्या हो गया है, जैसे फैजाबाद है, इसका ऑफिशियली नाम क्या है, अयोध्या है ना। सेम एज इसको हम लोग हावड़ा ब्रिज जरूर कहते हैं, लेकिन अब जो है इसका मतलब एक वो हो गया है, ऑफिशियली नाम जो है वो रविंद्रनाथ सेतु है, ठीक है। रमेश सेड आई लाइक द ब्रिज, ओके हियर आफ्टर द नेम ऑफ रिनाउंड पोएट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रविंद्रनाथ सेतु इसलिए रखा गया जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका आपने नाम सुना है बच्चों, वो बहुत महान कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो जनगण मन इन्होंने ही लिखा है, तो इन मतलब ये एक फेमस कवि रहे हैं, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। रमेश सेड आई लाइक द ब्रिज, रमेश ने कहा कि मुझे ब्रिज पसंद है। मीता देयर मदर रिमार्क्ड, मीता जो है उनकी मम्मा ने कहा, ड्यूरिंग आवर स्टे वी विल विजिट मेनी अदर प्लेसेस टू, अब जब हमें यहाँ रुकना है, जो हमारी विजिट है, इसमें हम दूसरी और भी जगह घूमेंगे। नेक्स्ट दे क्रॉस द इडन गार्डन्स, इसके बाद उन वो लोग इडन गार्डन्स को क्रॉस किए। मीता पॉइंटेड टूवर्ड्स द फेमस स्टेडियम, मीता ने फेमस स्टेडियम की तरफ पॉइंट किया एंड सेड, और कहा, माय यंग क्रिकेटर्स दैट इज द इडन गार्डन, मीन्स अपने भाई को उसने बोला, माय यंग क्रिकेटर्स, मेरे छोटे क्रिकेटर्स, दैट इज द इडन गार्डन्स, ये इडन गार्डन्स है। सिंस यू लव क्रिकेट, जबकि तुम्हें क्रिकेट पसंद है, यू मस्ट हैव वॉच्ड मेनी मैचेस ऑन टीवी, आपने टीवी पर भी बहुत सारे मैचेस को देखा होगा, दैट इज प्लेड हियर, जो कि यहाँ पर खेले जाते हैं। राज एंड रमेश साउटेड, राज और रमेश चिल्लाए, ओ दिस इज द रियल इडन गार्डन्स, वो दोनों ने चिल्ला कर कहा, अरे हाँ ये तो सच में इडन गार्डन्स है, कैन वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। नो डियर नहीं, बट लेट मी टेल यू दैट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1864, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये 1864 में इस्टेब्लिश हुआ। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन एशिया, और ये एशिया का जो बड़े स्टेडियम्स हैं उनमें से एक है। मेनी इंटरनेशनल मैचेज आर ऑल्सो प्लेड, यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाते हैं। एंड द स्टेडियम इज द साइट फॉर होस्टिंग, जो स्टेडियम है इसका जो जो स्टेडियम इज द साइट मीन्स जगह है फॉर द होस्टिंग मीन्स होल्डिंग के लिए इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस टू, मतलब यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग मैच भी खेले जाते हैं। द चिल्ड्रेन लुक्ड एट इन वाइड आई, बच्चों ने अपनी आंखें चौड़ी करके यू नो अमेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक के साथ देखा एज द टैक्सी मूव्ड ऑन, और फिर टैक्सी जो है वो आगे बढ़ गई। दे ऑल्सो क्रॉस द विक्टोरिया मेमोरियल, और वो विक्टोरिया मेमोरियल को भी उन्होंने क्रॉस किया ऑन देयर वे, अपने ही रास्ते में। रत्नेश सेड चिल्ड्रेन वी विल कम हेयर टुमारो, रत्नेश ने कहा कि बच्चे हम कल यहाँ आएंगे। राज वॉज ऑस्ट्रक, ऑस्ट्रक का मतलब कि राज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। ही सेड, उसने कहा, वॉट इज दैट, ये क्या है। रत्नेश रिप्लाइड, रत्नेश ने जवाब दिया, इट इज कॉल्ड द विक्टोरिया मेमोरियल, उसने कहा कि हम इसे विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं। दे प्रोसीडेड फर्दर, फिर उन्होंने बात करना शुरू किया।
ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा आर वेरी ग्लैड टू हैव देम एट होम। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जो हैं उन दोनों को घर पर देखकर बहुत खुश थे। दे ग्रीटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया। वार्मली मीन्स बहुत ही गर्माहट से। रत्नेश एंड मीता इंक्वायर्ड अबाउट देयर हेल्थ, रत्नेश और मीता ने उनके हेल्थ के बारे में पूछा। ग्रैंडमा ब्रॉट डिलिशियस स्वीट्स फॉर देम, ग्रैंडमा जो है वो उनके लिए डिलिशियस मिठाइयाँ लेके आई। आई स्पेशली गॉट दीज ट्रेडिशनल स्वीट्स ऑफ बंगाल फॉर यू ऑल, वहाँ के जो ट्रेडिशनल स्वीट है, जो वहाँ पे लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड यू नो स्वीट है, वो स्वीट्स हैं वो उनके लिए लेके आई। ठीक है, यू ऑल लाइक द रसगुल्लास एंड संदेश, तुम दोनों को रसगुल्ला और संदेश बहुत पसंद आएगा। ठीक है, एवरी वन रिलिश्ड देम एंड रमेश चर्प, सब ने क्या किया, रिलिश किया, एंजॉय किया और फिर कहा आई लाइक देम। दे ऑल हैड फिश करी एंड स्टीम्ड राइस फॉर लंच, उन्होंने मछली खाई और चावल खाया। अ डिलिशियस ट्रेडिशनल प्रिपरेशन मेड बाई ग्रैंड माँ, जो ये भी एक ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का, जो बहुत लंबे समय से तैयार किया जाता है। ठीक है, द डे पास्ड क्विकली, दिन जो है वो जल्दी से गुजर गए। एंड दे प्लान टू गो आउट फॉर डिनर, और उन्होंने डिनर पर जाने की सोची। Everyone enjoyed egg rolls and मुगलई पराठा, सब ने मुगलई पराठा क्या होता है, a deep fried stuffed पराठा जिसमें egg और chopped meat पड़े होते हैं, उन पराठे को और egg roll को उन दोनों ने बहुत enjoy किया, और इसके साथ उन लोगों ने ice cream भी खाई। राज एंड रमेश वर एस्टोनिश्ड, राज और रमेश जो थे वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। टू सी अ ट्रैम, उन्होंने एक ट्रैम देखा। दे ऑल वेंट फॉर अ राइड इन द ट्रैम, और फिर वो ट्रैम पर घूमने भी गए। एंड रिटर्न्ड होम क्वाइट लेट, और घर जो है देर से वापस आए। द नेक्स्ट डे द फैमिली विजिटेड द विक्टोरिया मेमोरियल, अगले दिन वो लोग विक्टोरिया मेमोरियल देखने गए। द मैजेस्टिक स्ट्रक्चर इज एट वन एंड ऑफ कोलकाता मेडन, अ वास्ट अर्बन पार्क इन द मिडल ऑफ कोलकाता। ठीक है, एक रॉयल स्ट्रक्चर था एज एट वन एंड ऑफ कोलकाता मेडन। ठीक है, अ वास्ट अर्बन पार्क, एक बहुत ही विशाल शहरी पार्क इन द मिडल ऑफ कोलकाता, कोलकाता के मध्य में। ग्रैंडमा ने एक्सप्लेन किया द विक्टोरिया मेमोरियल ऑफिशियली कॉल्ड द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जैसे कि आपने देखा कि हावड़ा ब्रिज को हम लोग रविंद्रनाथ सेतु कहते हैं ऑफिशियली, सेम एज जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसको ऑफिशियली विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहा जाता है। इट इज़ अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया, ये एक ऐसा मेमोरियल है जो वहाँ की मतलब जो क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट किया गया था, द एम्प्रेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो कि एम्प्रेस रही हैं, साम्राज्ञी रही हैं भारत की जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था। इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये जो है टूरिस्ट का मेजर अट्रैक्शन है। सर्व्स एज अ म्यूजियम ऑल्सो, और ये म्यूजियम की तरह भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स हैं, स्टैचू हैं इन सारे रिनाउंड पर्सन्स के, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इट हैज़ मैनी आर्टिफैक्ट्स एंड प्रीशियस एंड वेरियस प्रीशियस थिंग्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी थे और बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये जो है सफ़ेद संगमरमर से, और एंड हैज़ अ ब्रॉन्ज एंगल स्टॉप इट्स डोम, एज यू कैन सी, आप सभी जो है इसके यहाँ पर एक ब्रॉन्ज एंगल लगा हुआ है इसके डोम पर। ठीक है, इट वॉज ओपनड इन 1921, और ये 1921 में जो है खुला। राज रमेश एंड हिज पेरेंट्स, राज और रमेश और उसके जो मम्मी पापा हैं, एडमायर्ड द स्टेटली ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक है, उन लोगों ने उस ग्रैंड बिल्डिंग को क्या किया, एडमायर किया। दे टुक अ कीन इंटरेस्ट इन ऑल दैट वाज ऑन डिस्प्ले, उन्होंने बहुत रुचि ली जो भी चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही थी। रमेश स्माइल्ड, रमेश जो है वो मुस्कुराया एंड सेड, और कहा आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। राज लाफ्ड एट हिम, राज उसके ऊपर हंसा। द फैमिली रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम एट द कोलकाता मैडन, कोलकाता मैडन में उन्होंने कुछ समय तक रिलैक्स किया।
एंड वॉच्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन एंड ग्राउंड अप्स प्लेइंग क्रिकेट. दे विजिटेड द बिरला प्लेनेटोरियम नेक्स्ट. इसके बाद वो कहाँ गए? वो गए बिरला प्लेनेटोरियम देखने. एज दे सेटल डाउन कम्फर्टेबली, जैसे ही वो मतलब आराम से बैठे इन दियर सीट्स, अपनी सीट्स पर, राज विस्पर्ड, राज ने यू नो फुसफुसाया, धीरे से बोला, दिस प्लैनेटोरियम इज ऑल्सो कॉल्ड तारामंडल. इस प्लैनेटोरियम को हम तारामंडल कहते हैं. आई रीड इन माई जी के बुक, मैंने अपने जी के बुक में पढ़ा है. दैट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेटोरियम, ये जो है सबसे विशाल तारामंडल है इन द वर्ल्ड, दुनिया में. रमेश सेड सॉफ्टली, रमेश ने धीरे से कहा, लुक अप, ऊपर देखो, वी कैन सी द स्टार्स, हम तारों को देख सकते हैं. ग्रैंडपा सेड, ग्रैंडपा ने कहा, यस, एज द इनर सरफेस ऑफ द डोम अबव अस, क्योंकि जो अंदर का सरफेस है डोम का वो हमारे ऊपर है, बिकम्स डार्क, वो अब डार्क हो गया, विल बी एबल टू सी मोर स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, अब हम बहुत सारे तारे और कॉन्स्टिलेशंस मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी नक्षत्रों को देख सकते हैं. Now let us be quiet. चलो अब हम लोग शांत हो जाते हैं. And listen to the detailed explanation about stars, planets and outer space. और अब जो है हम लोग एक detailed explanation पढ़ेंगे stars के बारे में, planet के बारे में और outer space के. They found the program very interesting and happily come back home. उनको वो program बहुत अच्छा लगा और वो खुशी से घर वापस आ गए. At night, Grandpa and Grandma narrated fairy tales. और रात में दादी माँ और दादू ने उनको एक fairy tales की कहानी सुनाई और funny stories भी. Before the children went to bed, बच्चों के बिस्तर पर जाने से पहले. The next morning, अगली सुबह, they were too tired to go out. वो बहुत थके थे कि वो यू नो बाहर जाने के लिए वो बहुत थक गए थे. सो रत्नेश एंड मीता हेडेड टू न्यू मार्केट. इसलिए रत्नेश और मीता जो है वो दोनों न्यू मार्केट चले गए, जो कि कोलकाता का ओल्डेस्ट मार्केट है फॉर शॉपिंग. व्हाइल द अदर स्टेड एट होम, जबकि दादा दादू दादी और जो उनके दादू थे और जो यू नो बच्चे थे वो सब घर पे ही रहे क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे. मीता बॉट ब्यूटिफुल कॉटन साड़ीज फॉर हर सेल्फ. मीता ने अपने लिए कॉटन की सुंदर साड़ियाँ खरीदी. ग्रैंडमा एंड हिज बेस्ट फ्रेंड बैक इन जयपुर. मीता बॉट ब्यूटिफुल कॉटन साड़ीज फॉर हर सेल्फ, अपने लिए खरीदी, ग्रैंडमा के लिए खरीदी और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खरीदी जो कि इस समय जयपुर में है. कोलकाता इज़ फेमस फॉर दीज कॉटन साड़ीज़, इन कॉटन साड़ी के लिए कोलकाता बहुत फेमस है. रत्नेश बॉट सम ब्यूटिफुल थिंग्स एज डेकोरेशन एंड टेराकोटा आइटम्स. टेराकोटा क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हार्ड क्ले से बनी होती हैं, ठीक है, और कुछ उसने डेकोरेटिव पीसेस भी खरीदी टू गिफ्ट टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए. एंड अ कार्व्ड वॉकिंग स्टिक फॉर हिज फादर, और एक वॉकिंग स्टिक खरीदी अपने पापा के लिए. Grandma and Grandpa felt touched and blessed them. ठीक है, Grandpa और Grandma जो हैं वो दोनों बहुत emotional हो गए और उन दोनों को आशीर्वाद दिया. In the afternoon, दोपहरिया में, they went for a ride. वो घूमने गए on the metro train पर. The children were excited. बच्चे बहुत excited थे. Specially Ramesh. Ramesh, he said, why do so many people travel by the metro? बहुत सारे लोग मेट्रो में क्यों ट्रेवल करते हैं? ग्रैंडपा सेड, ग्रैंडपा ने कहा, पीपल कैन ट्रेवल सेफली एंड कंफर्टेबली बाय द मेट्रो. उन्होंने कहा कि पीपल जो हैं वो सुरक्षित से और आराम पूर्वक मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं. इट्स वेरी क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव. एक तो ये महंगा नहीं है और दूसरा बहुत साफ है. कोलकाता मेट्रो रेल इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया. भारत के रेलवे सिस्टम में अगर हम अंडरग्राउंड ट्रेन की बात करें तो कोलकाता मेट्रो रेल उसमें पहला माना जाता है. द चिल्ड्रेन वर थ्रिल्ड टू ट्रेवल बाय द मेट्रो, मीन्स बच्चों को बहुत मज़ा आया मेट्रो में घूम के. एंड वॉन्टेड टू रिपीट द ट्रिप, और वो अपनी ट्रिप को फिर से रिपीट करना चाहते थे. बट दे कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर पाए, एज इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि बहुत देर हो रही थी. रमेश विस्पर टू राज, रमेश ने फिर राज से
धीरे से बोला, आई लाइक द मेट्रो, मुझे तो मेट्रो बहुत पसंद है। राज हग्ड हिम और राज ने उसको गले लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल लेफ्ट फॉर द स्टेशन, वो सब जो है स्टेशन के लिए निकल गए। आफ्टर बिडिंग गुड बाय टू द ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी को उन लोगों ने गुड बाय बोला। रत्नेश एंड मीता एक्सप्लेन्ड, रत्नेश और मीता ने कहा, वी विल विजिट अदर प्लेसेस इन कोलकाता ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट ट्रिप, जब हमारी नेक्स्ट ट्रिप होगी कोलकाता की तो हम दूसरी जगह भी विजिट करेंगे। सो चिल्ड्रन, देयर इज द क्वेश्चन, व्हाई डिड राज फैमिली गो टू कोलकाता? सो आंसर इज देयर, राज फैमिली वेंट टू कोलकाता टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। व्हाट डिड राज एंड रमेश नोटिस अबाउट द क्राउड एंड ट्रैफिक ऑफ कोलकाता आफ्टर दे बोर्डेड अ टैक्सी? राज एंड रत्नेश नोटिस द क्राउड्स वर हरिंग वाइल द व्हीकल्स क्रॉल्ड। When was the Howrah Bridge opened to traffic? It was in 1943. So answer is attached there, children. You all can see. Now the next question. Raj's family saw the Dash Stadium on their way. So children, which stadium it was? Eden Gardens. Now Ratnesh bought a Dash for his father, walking stick. Meeta and Ratnesh went to which market? That was New Market for shopping. Okay, now the mention any two important facts about Howrah Bridge that Ratnesh told his children. So the Howrah Bridge is built on the river Hooghly. So children, from question number 1 to 6, it is attached there. Okay, and you will get the hots also. So thank you so much for watching. I'll explain grammar portion in any other video. Okay.